हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो एल्केन की रिएक्शन से रिलेटेड है, और इस ट्रिक को आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका एल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। डैट मीन्स वेरी सिंपल, जब एल्केन आइदर सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तभी आपको लगाना है। और सिस पहचानना इजी है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन, जो दो कार्बन है उसके अगर सेम साइड सेम ग्रुप है तो उसको सिस बोलते हैं, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो आपको ये ट्रिक तभी लगाना जब आपका एल्कीन सिस या ट्रांस में हो, डैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तब अप्लाई करना है। उसके बाद करना क्या है, चूंकि एडिशन वी आर टॉकिंग अबाउट, डैट मीन्स एक पाई को ब्रेक करना है और दो सिग्मा बनाना है। तो वो जो दो सिग्मा बनेंगे वो दोनों सेम साइड से बन सकते हैं, डैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। डैट मीन्स एल्कीन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और जो दो आने वाले ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड से आ रहे हैं तो सिन एडिशन बोलेंगे, और सिमिलरली अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो जो आने वाले ग्रुप हैं वो अगर अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी। तो ये हो गया एडिशन का टाइप, दैट इज कॉल्ड अबाउट एंटी एडिशन और सिन एडिशन। तो एडिशन किस टाइप का हो रहा है, सिन या एंटी, वो हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिस या ट्रांस। तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आइदर मीजो। मीजो की पहचान कैसे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। डैट मीन सी के सामने सी है, बी के सामने बी, ए के सामने ए, और दो कायरल सेंटर होगा तो इसको बोलेंगे मीजो। या फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर की पहचान क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये होंगे खुद, और खुद इसका एक मिरर इमेज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमिक प्रोडक्ट। तो फंडा एकदम क्लियर है कि आपका एल्कीन सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, एडिशन सिन या एंटी होगा, तो प्रोडक्ट, ध्यान दो, प्रोडक्ट मीजो या रेसमिक मिलेगा। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ट्रिक का पॉइंट ये है कि सिस को या सिन को या मीजो को, इन सब को मैं प्लस मान रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप सेम साइड है। कैसे, ध्यान से देखो, सिस में ए सेम साइड है, सिन में दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, और मीजो में भी जो एडिंग पार्ट है वो सेम साइड है, तो इसलिए सेम साइड वाले को मैंने प्लस माना। वैसे ही ट्रांस को या एंटी को या रेसमिक मिक्सचर को मैंने माइनस एज्यूम किया है। क्यों, क्योंकि ट्रांस में अपोजिट साइड में है, एंटी में भी अपोजिट साइड से ऐड होते हैं और रेसमिक में भी अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए अपोजिट साइड वाले को माइनस माना है। उसके बाद हमने सिंपल मैथ का बेसिक फार्मूला लगाया है जो बच्चे बच्चे को मालूम होता है, क्या कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। सर ये कहना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ। वेरी सिंपल कि आपका एल्कीन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, आपका एल्कीन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस में है या ट्रांस में है, एडिशन आपका कैसा हो रहा है, सिन या एंटी, और उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, वो आपको इस ट्रिक से आ रहा है। देखो मैथ को मैंने कनेक्ट कर दिया है केमिस्ट्री में। कैसे, ध्यान से देखो एक एग्जांपल। प्लस मतलब कॉन्फ़िगरेशन प्लस बोले तो यहाँ ध्यान से देखो सिस, उसके बाद फिर प्लस, एडिशन प्लस बोले तो सिन एडिशन, और फिर प्लस आया, प्लस बोले प्रोडक्ट में तो मीजो। तो डैट मीन्स जब अगर आपका एल्कीन सिस कंडीशन में होगा, एडिशन भी अगर सिन होगा, तो प्रोडक्ट हमें मीजो मिलने वाला है। सर एक और एग्जांपल बताओ, जैसे ये वाला लेते हैं थर्ड। प्लस मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन प्लस बोले तो, प्लस बोले तो सिस, एडिशन पार्ट, माइनस बोले तो एंटी एडिशन, माइनस बोले तो एंटी एडिशन, राइट, और प्रोडक्ट माइनस बोले तो, माइनस बोले तो रेसिमिक, मतलब रेसिमिक। तो डैट मीन्स अगर आपका एल्कीन सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, एडिशन एंटी हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपको रेसिमिक मिक्सचर, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट फिर दो हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कौन सिन एडिशन होगा, कौन एंटी, वो भी जल्दी से बता दो, क्योंकि आपका ट्रिक आ गया मेरे को समझ में। तो मैं अभी आपको वो भी बता रहा हूँ कि कौन सिन है और कौन एंटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की, जिसमें मैंने आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म दिखाया है कि रिएजेंट आपका क्या होगा, एडिंग पार्ट कौन कौन होंगे, टाइप कैसा है वो, और एक एग्जांपल से समझाया है। तो पूरे एल्कीन में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई रिएजेंट मिलने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है।
आपको रिएजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम होगा, तो इसमें दोनों एडिंग पार्ट H होंगे, सिन एडिशन है ये, इसलिए दोनों को सेम साइड से आपको अटैच करना है। ओके, सेकेंड जो है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन, कभी कभी टेम्परेचर मेंशन होगा, दोनों जो एडिंग पार्ट है वो OH है, ये भी सिन एडिशन है आपका, इसलिए OH सेम साइड से अटैच होंगे। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दोनों एडिंग पार्ट OH हैं, सिन एडिशन है, तो इसलिए दोनों OH सेम साइड से अटैच होगा। BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, जिसको HBO बोलते हैं, डेट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें एक पार्ट एडिंग H है और एक OH है, ये भी एक सिन एडिशन है, तो आपको H एंड OH सेम साइड से अटैच करना है। और कैसे करना है तो वो ट्रिक दे रखा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि फर्स्ट थ्री में एडिंग पार्ट आपका सेम था, फोर में जाकर के एडिंग पार्ट डिफरेंट हुआ है, तो इसलिए आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एडिंग पार्ट सेम होने की वजह से कोई भी कार्बन पे अटैच कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्कोनिकब होगा या एंटी मार्कोनिकब, तो इसलिए पॉइंट नंबर फोर पे आपको ध्यान देना है, 1, 2, 3 पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्कोनिकब करो या एंटी मार्कोनिकब। सेकेंड पॉइंट जो इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट फोर जो हमने लिया है वो सिन एडिशन वाले हैं, अब लास्ट जो 5 to 8 है, नेक्स्ट फोर, वो एंटी एडिशन वाले हैं, X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कहीं पे हो तो दोनों एडिंग पार्ट हेलोजन होगा, एंटी एडिशन है, इसलिए हेलोजन को अपोजिट साइड से अटैच करना पड़ेगा। सिमिलरली X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो तो यहाँ पे एडिंग पार्ट डिफरेंट है, एक हेलोजन है और एक OH है, अगेन ये एंटी एडिशन है, इसलिए दोनों अपोजिट साइड से ऐड होंगे। तो अगेन आपको कहाँ पे ध्यान देना है, 6 पे, क्यों, क्योंकि एडिंग पार्ट डिफरेंट हो चुका है, तो मार्कोनिकब होगा या एंटी मार्कोनिकब उसका ध्यान रखना है। वैसे ही पर एसिड कहीं पे परऑक्सी लिंकेज हो इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम, तो दोनों एडिंग पार्ट सेम होते हैं, OH एंटी एडिशन है ये, इसलिए दोनों अपोजिट साइड से आपको दिखाना है, तो ये वाला अगेन सेम एडिंग पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन 8 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि HgOAC ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaBH4 होगा, तो इसको बोलते हैं OMDM, डेट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसमें एडिंग पार्ट एक OH होता है और एक H होता है, और ये एंटी एडिशन है तो एक तरफ से H आएगा और एक तरफ से OH, और ये जनरली मार्कोनिकब, ये और ये मार्कोनिकब एडिशन होता है, जबकि BH3THF वाला एंटी मार्कोनिकब होता है। तो अगर इस टेबुलर फॉर्म में ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये एक पूछा जाता है, राइट, ये भी एक पूछा जाता है, दो BH3 वाले, ये 3, ये 4, ये भी पूछे जाते हैं, और ये वाले पूछे जाते हैं, ये 5 तो पूछे जाते हैं। वैसे हमने आपको टोटल 8 बताया, फर्स्ट 4 सिन एडिशन है, नेक्स्ट 4 एंटी एडिशन है, आपको ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है, 4, 6, 8 में, क्यों, क्योंकि 4 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, 6 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, 8 में एडिंग पार्ट डिफरेंट है, बाकी 5 में एडिंग पार्ट सेम है, इसलिए मार्कोनिकब एंटी मार्कोनिकब का झंझट ही खत्म है, बाकी 3 में आपको कैसे करना वो भी मैं ज्ञान की बात में बताऊंगा। तो आप ये टेबल को अच्छे से देख लो, क्योंकि रिएजेंट हमने लिख दिया, एडिंग पार्ट कौन है वो लिख दिया है, टाइप कैसा है वो लिख दिया है, एक एग्जांपल से समझाया, और पहला ट्रिक आप लगा दोगे, और ट्रिक 2 तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम इजीली। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये एल्कीन है, राइट, डबल बॉन्ड है, और इसका कॉन्फिगरेशन आप देख सकते हो, एक मिथाइल ग्रुप इस साइड है तो एक मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में, तो ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रांस को क्या बोला था, माइनस मानने को, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये एंटी एडिशन होता है, तो इसको भी क्या मानेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, डेट मीन्स दोनों Br सेम साइड होना चाहिए, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, राइट, ये CH3 आपका ये अप वाला और ये CH3 आपका डाउन वाला, इसके पास हाइड्रोजन थे, चूँकि माइनस माइनस प्लस डेट मीन्स दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड रखना है, तो Br अगर इधर रखे तो H इधर रखेंगे। आप ध्यान से देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, तो ये मीजो कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो एक ऐसे बनाओगे तो दोनों सेम ही कंपाउंड होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप ये भी बना सकते हो। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाता कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आप बताते 1। वहीं पे यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे, दोनों
एल्काइल ग्रुप आपका सेम साइड है और दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड है, तो सी से तो हमने क्या बोला प्लस मानना है, और यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंटी एडिशन है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपका दोनों Br क्या होना चाहिए अपोजिट साइड में, तो एक Br इधर तो एक Br इधर और HH। यहाँ पे ध्यान से देखो कोई प्लेनर सिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, इसलिए हम ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे रेसिमिक प्रोडक्ट। तो अब ध्यान से देखो तो इधर Br इधर H, इधर H इधर Br, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या आंसर करते यहाँ पे दो, क्योंकि रेसिमिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में राइट एल्किन और D2NI मतलब हाइड्रोजन का बड़ा भाई हो गया ड्यूटेरियम, तो D2 ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यू नो कि ये कैसा है सिन एडिशन राइट, सिन एडिशन मतलब प्लस, तो माइनस प्लस क्या बोला था आपको माइनस, मतलब दोनों डी को अपोजिट साइड में रखना है, तो एक डी इधर तो एक डी इधर, और एच एच पहले से जो था CH3 CH3, तो आपको माइनस प्लस माइनस मतलब रेसिमिक प्रोडक्ट, तो ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में ये डी यहाँ तो ये डी यहाँ एच एच एंड CH3 CH3, तो अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो हो जाता, बट इस केस में ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में ये एडिशन भी सीन होता है डैट मीन्स प्लस, तो ध्यान से देखो प्लस प्लस प्लस, तो मतलब दोनों डी को आपको सेम साइड रखना है, तो CH3 CH3 और इसका HH आपका पहले से था राइट, तो ये कैसा हो गया मीजो कंपाउंड, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोले तो वन ही होंगे क्योंकि ये या इसका मिरर इमेज एक ही बात है दोनों सेम है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन ये ट्रांसपोजिशन में आपका एल्किन और एडिंग पार्ट जो वो KMnO4 डायलूट कंडीशन में या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो यू नो एक सिन एडिशन होता है ये, और सिन मतलब प्लस हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मतलब क्या हो गया एक OH इधर तो एक OH इधर, बाकी आपका दो मिथाइल अप डाउन में रहेंगे और हेच हेच, तो अगेन ये खुद होंगे और ये एक मिरर इमेज, क्यों क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आप मिरर इमेज बना दो OH इस साइड तो इसका OH इस साइड और हेच हेच एंड CH3 CH3, तो अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू हो जाता, बट अगर कॉन्फ़िगरेशन सिस हो और एडिंग पार्ट सेम है अगर सिन एडिशन है डैट मीन्स प्लस, तो प्लस 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 बोले तो दोनों OH को आपको क्या करना है सेम साइड। देखो इससे इजी क्या हो सकता है, आपको सिंपल ट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही होंगे क्योंकि ये मीजो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 7 कि अगेन ट्रांसपोजिशन में है और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है राइट, तो यू नो एंटी एडिशन होता है ये क्योंकि परऑक्साइड है, एंटी एडिशन मतलब माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डैट मीन्स दोनों OH आपको क्या रखना है एक ही साइड रखना है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगेन एक ही हो जाएंगे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीजो कंपाउंड होगा ये, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो 1। यहाँ पे अगेन पर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, तो ये एंटी एडिशन है, एंटी बोले तो माइनस, और ये जो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में डैट मीन्स प्लस, तो प्लस माइनस माइनस डैट मीन्स माइनस बोले तो अपोजिट साइड में, तो आपको एक OH इधर रखना है तो एक OH इधर और ये हेच हेच, तो ये खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे 2। तो देखो कितना ईजी है, प्लस माइनस सिंपल माइनस, माइनस तो रेसिमिक बनाना है और माइनस माइनस प्लस, प्लस बोले तो दोनों सेम ही है डैट मीन्स मीजो कंपाउंड बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में एक एल्कीन है और इसकी रिएक्शन BH3H2O2 एंड OH- से कराना है, तो ये आपको समझ में आ गया ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इट इज ए सिन एडिशन राइट, BH3 से आपको H मिलेगा और H2O2 OH- से आपको OH मिलेंगे, आपको बता रखा हूँ H कहाँ ऐड करना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, क्यों क्योंकि BH3 में ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को वहाँ पे अटैच करो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन हो ताकि वैकेंसी मेंटेन रहे, याद रखने के लिए हमने ऐसा बोला हुआ है सिंपल, तो H आपका इस कार्बन पे जाएगा OH इस कार्बन पे आएगा, कैसे ऐड करना है सिन एडिशन है, तो आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाना पड़ेगा, अगर आपने हेच को अप साइड से दिखाया तो OH को भी अप साइड से आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं इसी प्रोडक्ट को इस टाइप से, अगर आपने हेच को डाउन साइड से दिखाया
तो OH को भी आपको डाउन साइड से दिखाना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सिन एडिशन, राइट। सिमिलरली अगर HgOSe ट्वाइस H2O एंड NaBH4O, तो ये OMDM हो गया, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, जो कि HBO का एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो इसलिए आपको ये याद है। तो इस केस में क्या करना है, उल्टा करना है। अब OH वहाँ ऐड होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, और H वहाँ ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो वेरी सिंपल। तो प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो अगेन कि इस तरह से कर लेंगे, बट यू नो कि इट इज ए एंटी एडिशन, तो इसका मतलब H एंड OH अपोजिट साइड होना चाहिए। तो अगर सपोज करो यहाँ पे OH अपने अप में रखा है, तो यहाँ पे H आपको डाउन में रखना पड़ेगा। और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे OH डाउन में रखा, तो यहाँ पे आपको H अप में रखना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ लें, इट इज ए सिन एडिशन, इसलिए ध्यान से देखो दोनों एडिंग पार्ट सेम साइड से आपको दिखाना है। इट इज ए एंटी एडिशन, तो एडिंग पार्ट आपको अपोजिट साइड में दिखाना है। यहाँ पे ये जो एल्किन था वो ट्रांस शो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम सिस ट्रांस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। नाउ इस टाइप के अगर प्रॉब्लम पूछ ले कि आपको कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दे, यूनो के BH3 से हमें मिलने वाला H और H2D2OD- हमें मिलेगा OD, राइट। तो आपको प्रोडक्ट फिर कैसे बनाना है, इसको जैसे फिक्स कर दिया तो आपको फिक्स कर देना, आप चेंज नहीं कर सकते। अब विनो की हेच कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, तो अब चूंकि ये अप में और ये जो एडिशन है वो है सिन एडिशन, तो अब आपको हेच को दिखाना पड़ेगा डाउन साइड में, तो यहाँ पे OD को भी आपको डाउन साइड में दिखाना है, ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे का जो हेच होगा फिर वो अप साइड में होगा, राइट। ये ध्यान दें, ये पहले वाला जो हेच है प्रेजेंट वो है ये, और जो एडिंग पार्ट वाला वो ये है हेच। वैसे ही यहाँ पे अगर OMDM हो तो कैसे करेंगे, विनो के इससे तो आपको HgOSe ट्वाइस और H2O से OH मिलेगा, और इससे NaBD4 से D मिलेगा। तो एक जगह OH और D, और इसका उल्टा करना है, बट द कंडीशन इज कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है मिथाइल का, तो ऐसे ही रहने देना। अब चूंकि ये अप में है, तो आपका जो यहाँ पे OH आएगा वो डाउन में आएगा, इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये एक एंटी एडिशन है, तो दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो D आएगा वो अब आपका अप में रहेगा, ये ध्यान रखना है, ताकि ये एंटी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो H है उसको कैसे रखना पड़ेगा आपको, वो H आपका डाउन में रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को लेकर के मैंने समझाने की कोशिश की है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, तो कहीं पे भी BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH- हो, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म में HBO, और ये एक एंटी मार्कोनिक एडिशन है। डैट मीन्स आपको क्या करना है, जो BH3 से जो H मिलेगा उसको वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन पे ऐड कर दो जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। और HgOSe2, H2O और NaBH4 जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, और या X2H2O, तो इन सब में क्या करना है, मार्कोनिक अप, डैट मीन्स कोई एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, राइट। तो इसका उल्टा करना आपको, राइट। तो डैट मीन्स इस केस में जो आपको H ऐड करना है वो वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और HBO लिया, तो HBO बोले तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको इसका H कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। कहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 है और इस कार्बन के पास 2 है। ध्यान रहे ऐड वहीं पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब जो इससे H मिलेगा वो वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे H आएगा, तो यहाँ पे OH, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ये हो गया एंटी मार्कोनिक अप। और इसका उल्टा होगा, अगर OMDM लिए तो आपको H वहाँ पे ऐड करना जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिक। वैसे ही X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, तो इससे X+ और OH- मिलेंगे। X+ को आप मानो कि H+ टाइप का ही है, तो H जहाँ पे ऐड कर दो मार्कोनिकम में वहाँ पे X ऐड करना है, और OH की जगह OH ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये मेरा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो कंसेप्ट है, ट्रिक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इस पर बेस किसी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हैं, वो भी करेक्टली। थैंक यू।